Hey guys, good morning to all. I hope आपको मेरी voice audible है, video properly visible है. Hello मिजली, hello खुशी, hello प्रदीप, good morning. Clear है? Good morning आकाश. आई होप गाइस आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है. आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं. ओके चल, तो वेलकम टू एम्बिशियस बाबा डॉट कॉम. हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 12th जून के करंट अफेयर्स को. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब मैं आपको कवर कराऊंगी, स्टैटिक के पार्ट बताऊंगी, साथ ही साथ रिविजन भी कराऊंगी. हेलो शुभम, गुड मॉर्निंग टू ऑल. चलो बढ़िया, सबसे पहले कल का होमवर्क देख लेते हैं. मैंने होमवर्क में आपसे दो सवाल पूछे थे. डैश बिलेनियर इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू स्पेस इन जुलाई 2021. तो अभी कौन से बिलेनियर हैं जो स्पेस में जाने का प्लान कर रहे हैं? 20 जुलाई वो डेट है. और 20 जुलाई वो क्यों डेट 20 जुलाई चुनी गई है? क्योंकि आपको पता होगा इसी दिन नील आर्मस्ट्रांग जो थे पहले इंसान जिन्होंने मून पर कदम रखा था, ठीक है. तो जेफ बेजोस, अमेजोन फाउंडर, ये प्लान कर रहे हैं कहाँ जाने का? मून पर. ये वाला जो पार्ट है इसको मैं डिटेल में भी क्वेश्चंस में कराने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी. सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर सुनील छेत्री. यस, बिल्कुल सही हुए हैं, एब्सोल्युटली. हेलो रितिका, आ जाओ. सबसे पहले आंसर आया है किसका? सबसे पहले आंसर आया सुपर्णा का, आरुही का, संजय का, ध्रुव ज्योति का और निधि का. तो ये हमारे पांच सुपरस्टार हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया. पर बहुत सारे बच्चों ने कल आंसर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा. गाइस होमवर्क करते रहा करिए, आप होमवर्क करेंगे आपका रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ आपके कमेंट्स देखकर मुझे लगता है कि हाँ आप लोग होमवर्क को सीरियस लेते हैं. कब? बहुत सारे बच्चों का राइट था, एब्सोल्युटली. गुड मॉर्निंग बेटा लोग, आ जाओ. ठीक है ठीक है, ये पॉइंट मैंने कल आपको बताया था बट इसको मैंने क्वेश्चन में ऐड कर दिया है ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें. सवाल क्या है? देहिंग पतकाई हैज बीन डिक्लेयर्ड द 7th नेशनल पार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. यानी देहिंग पतकाई को निम्नलिखित में से किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ठीक है ओके. और यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है असम. तो आपको पता है असम राज्य ने अभी 6th और 7th नेशनल पार्क ऐड किया है. 6th नेशनल पार्क कौन सा है? रायमोना. और 7th नेशनल पार्क कौन सा है? दिहिंग पतकाई. तो इसी के साथ असम जो है वो इंडिया में तीसरा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट बन गया है. सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, मैंने आपको असम के जो नेशनल पार्क्स हैं, जो टॉप पांच हैं, जो पहले से हैं, उनकी ट्रिक भी बताई हुई है. कमांडो के थ्रू आप इजीली इनको याद रख सकते हैं. ठीक है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, दिब्रू साइकोवा और ओरंग. ये पांच नेशनल पार्क ऑलरेडी असम राज्य में थे और यहाँ दो और ऐड हो गए हैं, रायमोना और देहिंग पतकाई. ठीक, गुड मॉर्निंग. अब मेरा आपसे कुछ सवाल है. देखिए आज मैंने यहाँ आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, फटाफट देखते हैं मेरा आपसे क्या क्या सवाल है. गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, हेलो शिवानी, हेलो नितिन, हेलो एवरीवन, हेलो सुपर्णा, चलो हेलो संजय. इंडियाज लार्जेस्ट शक्तिपीठ, भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ जो कि असम राज्य में है, इसका नाम क्या है? ठीक है, एब्सोल्युटली कामाख्या टेम्पल. देखिए कामाख्या टेम्पल जो है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट शक्तिपीठ है. ठीक है, दूसरा सवाल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड. दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आपको पता है असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी के से बनता है और इसका नाम है मजूली. ठीक है, तीसरा सवाल मेरा आपसे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वीविंग विलेज, जो बुनाई वगैरह होती है ना उसका सबसे बड़ा जो गांव है जहां होता है वो भारत के असम राज्य में है, उसका नाम क्या है? ठीक है, और उसका नाम है सुलकुची विलेज. ठीक है, सुलकुची विलेज जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वीविंग विलेज है.
इसके बाद इंडियाज टी कैपिटल, भारत का टी कैपिटल असम की ही एक जगह है जिसको कहा जाता है, कौन सी वो जगह है? ठीक है, और उस जगह का नाम है जोरहत। ठीक है, जोरहत को इंडिया से टी कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट है एशिया से ओल्डेस्ट रिफाइनरी, ये सबको पता होगा, और इसका आंसर है दिगबोई। और इंडिया से लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, भारत का सबसे लंबा जो बेसिकली रिवर ब्रिज है ये कौन सा है? हेलो दिव्यांशी, चलो। और ये है भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं असम से। असम के बारे में रिसेंटली मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और यहाँ मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और ऐड कर दी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लार्जेस्ट शक्तिपीठ कामाख्या टेम्पल, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली, बिगेस्ट वीविंग विलेज सुलकुची, टी कैपिटल जोरहाट, ओल्डेस्ट रिफाइनरी दिगबोई एशिया की, और ओल्डेस्ट रिवर ब्रिज भूपेन हजारिका। डन है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उखना खुरेल सुख हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी उखना खुरेल सुख निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुड मॉर्निंग बेटा लोग, चलो। भूपेन हजारिका भारत रत्न एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, नाम इनका देखिए, नाम है इनका उखना, और प्रेसिडेंट बने हैं ये कहाँ के? प्रेसिडेंट बने हैं ये मंगोलिया के। कहाँ के बने हैं? मंगोलिया के। तो मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? उखना खुरेलसुख। ठीक, चलिए डिटेल देख लेते हैं। तो ये इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मंगोलिया के, मंगोलिया में प्रेसिडेंट चुना जाता है, वोट पड़ता है, और वोट के तहत मंगोलियन पीपल्स पार्टी से ये जीते हैं, इनको 68% वोट मिला है। ठीक है, मंगोलिया में जो डेमोक्रेटिक, मंगोलिया में जो लोकतंत्र शुरू हुआ है ना, वो 1990 में चुना शुरू हुआ है, और ये छठे प्रेसिडेंट बने हैं, सिक्स्थ प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के? मंगोलिया के। ठीक है, मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटर, और यहाँ करेंसी चलती है टोगरुक। मैंने क्या बोला? मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटर, और यहाँ करेंसी चलती है टोगरुक। क्या मेरी अभी तक बात क्लियर हो गई है? क्या अभी तक चीजें क्लियर हैं? चलो, तो डिटेल मैंने आपको बता दिया। मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, ये सिक्स नंबर के प्रेसिडेंट हैं, और इनका नाम है क्या? इनका नाम है खुरेलसुख। अब थोड़ा सा मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली लास्ट क्लास जब मैंने आपको एक बार मंगोलिया के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, वहाँ एक इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गई थी, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको बोला था मंगोलिया लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, एक्चुअली मंगोलिया सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, लार्जेस्ट है कजाकिस्तान। ठीक है, तो प्लीज़ डू द करेक्शन। मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। ये रशिया और चाइना के बीच सैंडविच जैसा बन गया है। एक टाइम पर, एंशिएंट टाइम पर, या आप बोल सकते हैं मिडिवल टाइम पर, सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर यहीं से हुआ करता था, क्योंकि 1206 में 1206 में मंगोलिया में एक एम्पायर बना था मंगोल। ठीक है, आपको गेंगिस खान या चंगेज खान का नाम पता होगा। अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा एम्पायर जो आज तक बना है वो यही एम्पायर है, जो मंगोल एम्पायर गेंगिस खान या चंगेज खान के टाइम पर था, वो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर है। ठीक है, 1911 में मंगोलिया को चाइना से इंडिपेंडेंस मिली थी, और गोबी डेजर्ट जो है वो आपको मंगोलिया और चाइना में देखने के लिए मिलता है। इज इट क्लियर? क्या आपको मंगोलिया क्लियर हो गया है? बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, उलन बटर और टोगरुक। बाबर के मामा का घर, एब्सोल्युटली। चलो आ जाओ, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन MOU फॉर कॉपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। यानी कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो वर्कर जाते हैं घरेलू काम वगैरह के लिए, इसके लिए अभी इंडिया ने किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, इराक, टर्की, कुवैत, कनाडा और रशिया। देखिए एक बात समझिए, आपको पता होगा गल्फ नेशन में, ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंडिया से लोग काम करने के लिए जाते हैं, उन्हीं में से एक देश है कुवैत। ठीक है, कुवैत में आपको लगभग 10 लाख के आसपास लोग मिलेंगे जो इंडिया के वहाँ काम करते हैं। इसी को लेकर इंडिया और कुवैत ने एग्रीमेंट साइन किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। ठीक है, तो कुवैत जो है यहाँ बेसिकली ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। बात सिंपल से वही है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, अब अगर हम कुवैत की बात करें तो देखिए कुवैत आपको पता है ये एक गल्फ नेशन है। ठीक है, कुवैत अपनी बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है? तो देखिए कुवैत अपनी बाउंड्री शेयर करता है इराक के साथ, कुवैत अपनी बाउंड्री शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, कुवैत अपनी बाउंड्री थोड़ी बहुत ईरान के साथ हल्की फुल्की शेयर करता है बट पूरी तरीके से नहीं शेयर करता, ये पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ये हो गया कुवैत के बारे में। अब कुवैत में जो करेंसी चलती है ना वो है दिनार। कौन सी करेंसी चलती है? दिनार। और दिनार को दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या वैल्यूड करेंसी मानी जाती है, यानी किसी भी देश की करेंसी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो है कुवैत दिनार। ठीक है, यहां प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहां प्राइम मिनिस्टर है सबा खालिद अल सबा। यहां आपको राजा भी मिलेंगे और यहां आपको प्रिंस भी मिलेंगे, यानी यहां आपको एमिर और प्रिंस भी देखने के लिए मिलते हैं। कुवैत की कैपिटल क्या है? अच्छा, यहां एक पॉइंट किसी ने बोला, कुवैत की कैपिटल क्या है? देखिए यूएस की जो करेंसी है ना वो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड करेंसी है, यानी कि आप उसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट जब हम वैल्यू निकालेंगे ना तो वैल्यू के बेसिस पर दिनार जो है कुवैत का वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। एब्सोल्युटली कुवैत की कैपिटल याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। ठीक, चलो अब मैं आपको MOU के 3 पॉइंट रिवाइज करा देती हूँ जो अभी रिसेंट हमने कई सारे देशों के साथ साइन किया है। इंडिया एंड डैश हैव साइंड 3 ईयर प्रोग्राम फॉर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। कृषि को लेकर भारत ने किस देश के साथ 3 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है? ठीक है, ये देश कौन सा है? ये देश है इसराइल। तो इंडिया और इसराइल के बीच एग्रीकल्चर को लेकर जो एग्रीमेंट ऑलरेडी था उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल, डैश अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के लिए भारत का एग्रीमेंट किस देश के साथ हुआ है, बताइए फटाफट। और एब्सोल्युटली देखिए याद रखिए, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसके लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट हुआ है गाइस, ध्यान रखिएगा इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को लेकर। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, इंडिया साइंड MOU विद होम टू प्रिवेंट प्लास्टिक वेस्ट एंटरिंग ओशन। जो ओशन है उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट जा रहे हैं उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए इंडिया ने इनमें से किसके साथ एग्रीमेंट किया है? गुड मॉर्निंग खुशी, ओके, कौन सी है वो कंट्री? और वो कंट्री है जर्मनी। एब्सोल्युटली जर्मनी यहाँ सही जवाब है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है इसराइल, एग्रीकल्चर। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का आंसर है ऑस्ट्रेलिया, और जर्मनी है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? गाइस सेशन को शेयर कर दीजिए, बाकी दोस्तों को बता दीजिए, क्लास चल रही है, इंपॉर्टेंट तरीके से हम बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो वो भी क्लास को ज्वाइन कर लें। अगला सवाल देखिए,
अकॉर्डिंग टू आरबीआईज न्यू एटीएम कैश विड्रॉल रूल, व्हाट इज द चार्ज ऑन एटीएम विड्रॉल बियॉन्ड फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट विद इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2022। यानी आरबीआई ने एटीएम का जो विड्रॉल है ना, जो पैसा वगैरह निकालते हैं, उसके नियम बदले हैं। तो 1 जनवरी 2022 यहाँ से कितना चार्ज लगेगा, हम इस पूरी डिटेल को समझेंगे। ये आपकी डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कितना चार्ज लगने वाला है? 21 रुपये। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं पूरी डिटेल, आइए, क्योंकि भाई ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई ने बोला है आप हर महीने अपने बैंक अकाउंट से 5 ट्रांजैक्शन, कितने? 5 ट्रांजैक्शन, चाहे वो फिनेंशियल हो चाहे नॉन फिनेंशियल हो। फिनेंशियल का मतलब आपने पैसा जमा किया या पैसा निकाला, नॉन फिनेंशियल का मतलब आप बैंक बैलेंस जानने गए या इस टाइप का कुछ किया। तो आप अपने एटीएम से, यानी अपने जो आपका बैंक है, सपोज एसबीआई है, उसके एटीएम से हर महीने 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम, कि आपका कार्ड एसबीआई का है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एटीएम से, तो आप अगर मेट्रो सिटी में हैं, यानी आप दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, यहाँ सब हैं, तो यहाँ सब आप 3 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं। वहीं अगर आप नॉन मेट्रो में हैं तो आप 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस किया तो आप पर August 1, 2021 से कितना चार्ज लगेगा? पहले 15 रुपये लगता था, अब 17 रुपये लगेगा। और नॉन फिनेंशियल के लिए जो पहले 5 रुपये बेसिकली लगता था, वो अब 6 रुपये लगेगा। और वहीं 2022 January 2022 से ये कितना हो जाएगा? 21 रुपये हो जाएगा 20 रुपये के बजाय। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो भैया अब एटीएम से विड्रॉल एक बार करिए, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करिए, क्योंकि अब ये चार्जेस क्या हैं, ये चार्जेस अब बढ़ गए हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? 20 रुपये से 21 रुपये हो गया है, आपको ये याद रखना है। मेरा आपसे एटीएम को लेकर कुछ सवाल है। मेरा आपसे पहला सवाल है द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया वॉज सेटअप इन, भारत में पहला एटीएम कब लगा था और किस बैंक ने इसको लगाया था? क्या हो गया विशांत? ठीक है, पहला सवाल क्लियर है। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि एटीएम किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर लगाया गया था, यानी किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भारत में एटीएम होना चाहिए, ठीक है। भारत में सबसे पहले एटीएम 1987 में लगा था। 1987 इज एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर। बैंक HSBC, बिल्कुल बढ़िया, मुंबई में लगा था, बिल्कुल सही, ठीक है। भारत में पहला एटीएम 1987 में HSBC बैंक के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। HSBC इंडिया एक्ट, बिल्कुल हेमंत दावे, ठीक है। उसके बाद एटीएम लगाया जाए भारत में, ये रिकमेंडेशन किस कमेटी ने की थी? ये रिकमेंडेशन की थी रंगराजन कमेटी ने। किसने की थी? रंगराजन कमेटी ने। डन हो गई मेरी बात? गुड मॉर्निंग मोनिका। चलो, ये दोनों पॉइंट बात क्लियर हुई। अच्छा, यहाँ मेरा आपसे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये कहलाता है वाइट लेबल एटीएम। क्या कहलाता है? वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम वो एटीएम होता है जो किसी बैंक का नहीं होता, इसको कोई नॉन बैंकिंग कंपनी, जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज होती हैं, वो सेटअप करती हैं। भारत में पहला वाइट लेबल एटीएम टाटा के द्वारा सेटअप किया गया था मुंबई के थाने में, और इसको नाम दिया गया था इंडी कैश 2013 में। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? सी रंगराजन कमेटी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वाइट लेबल एटीएम का मतलब यह होता है वो एटीएम जो किसी भी बैंक का नहीं होगा। आप उस एटीएम में जाएंगे तो आपको किसी भी बैंक का नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे आप जाते हैं, आपको पता है ये एसबीआई का एटीएम है, ये
एक्सिस बैंक का है, ये आईसीआईसीआई का है, वैसे वाइट लेबल एटीएम जो होता है वो किसी बैंक का नहीं होता, ठीक है? तो वाइट लेबल एटीएम ये आपको क्लियर हो गया, यूनो नहीं, यूनो पर नहीं होता, ठीक है? ऑनलाइन जो आप यूज कर रहे हैं उस पर नहीं होगा, एटीएम पर होगा। क्या मेरी ये बात क्लियर हो गई? देखिए ये टाटा के द्वारा लगाया गया था, इसके कलर पर मत जाइए, इसको वाइट लेबल एटीएम क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। सुब्रजीत आप मुझसे एनोटेशन के साथ पीडीएफ ले लीजिएगा, मैं आपको ही दे दूंगी। इस एटीएम में पैसे वैसे ही निकलेंगे जैसे बाकी एटीएम में निकलते हैं, ठीक है? क्या होता है कि इस बैंक, ये जो एटीएम होता है ना, इसके कुछ स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं, वो स्पॉन्सर्स बैंक क्या करते हैं, इनमें कैश मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। जब कोई भी एनबीएफसी एटीएम लगाता है वाइट लेबल एटीएम, तो उसके साथ कुछ स्पॉन्सर बैंक होते हैं, ठीक है? तो वो इंक्लूडेड पार्ट होता है, ठीक है? अगर कोई डाउट अभी भी बचेगा वाइट लेबल एटीएम को लेकर, तो मैं आपको एंड में इसको करूँगी, ठीक है? आ जाओ, आ जाते हैं इकरा के ऊपर। इकरा ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या फोरकास्ट की है? तो एक और ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है, कितनी की है ये बताइए। श्योर, बिल्कुल सुब्रजीत, हाँ आप मुझे एक बार डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ, बिल्कुल मिलता है। ओके चलिए, पीडीएफ को लेकर जो भी डाउट है वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। एंड हेयर करेक्ट आंसर इज 8.5, ठीक है? तो इकरा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए वो 8.5 है। ओके, अब मैंने आपको पहले भी बताया है जीडीपी प्रोजेक्शन एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करना है, अभी ज्यादा मेहनत नहीं करिएगा जीडीपी प्रोजेक्शन में। इकरा जो है ये इंडियन कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1991 में, और इसके डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम है अरुण दुग्गल, ठीक है? यस, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विच बैंक हैज टॉप्ड फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट इन इंडिया, यानी लगातार दूसरी बार भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 का अवार्ड या 2021 की ये पोजीशन किसको गई है, ठीक है? तो याद रखिएगा, देखिए ये रिपोर्ट तीसरी बार निकली है और दूसरी बार ये अवार्ड किसको गया है, ये अवार्ड गया है डीबीएस बैंक को, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डीबीएस बैंक दूसरी बार इंडिया का भी बेस्ट बैंक बना है, और आपको पता है ग्लोबल लेवल पे तो ये बेहतरीन है ही है, ठीक है? तो याद रखिएगा डीबीएस टॉप्स फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट बैंक लिस्ट इन इंडिया, चाहे प्राइवेट बैंक हो यानी डोमेस्टिक बैंक्स हो या इंटरनेशनल बैंक्स हो, दोनों में ही ओवरऑल 30 बैंक्स थे जिनमें टॉप किया है डीबीएस ने। डीबीएस इंडिया जो है इसके सीईओ का नाम क्या है, डीबीएस इंडिया के सीईओ का नाम है पीयूष गुप्ता। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, और इनकी टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल, ठीक है? तो आई होप आपको डीबीएस के बारे में चीजें क्लियर हो गई हैं। ये सिंगापुर का बैंक है याद रखिएगा, और इंडिया में भी ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके, बात क्लियर हो गई मेरी, ठीक है गाइस? देखिए डीबीएस काफी पुराना बैंक है, डीबीएस का अगर मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर बताऊं जो सिंगापुर में है वो 1968 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? तो काफी पुराना बैंक है डीबीएस, 1968 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ फरारी, फरारी कंपनी के नए सीईओ का नाम क्या है, ठीक है? तो फरारी आप सब जानते हैं, जब भी कार कंपनी की बात हो, जब भी ऑटोमोबाइल कंपनी की बात हो, तो फरारी राजा है। तो फरारी के नए सीईओ का नाम क्या है, क्या नाम है इनका? नाम है बेंडोटो विग्ना। बेंडोटो विग्ना जो है ये नए सीईओ हैं फरारी के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा फरारी है कहाँ की कंपनी? फरारी इटली की कंपनी है, ठीक है। तो फरारी ने अपने नए सीईओ बेनेडेटो विग्ना को अपॉइंट किया है, ये किसकी जगह आए हैं? इंटरिम चीफ जॉन इकलन की जगह, ठीक है। तो फरारी आप सबको पता है, फरारी जब निकलती है तो वो फरारी ही होती है, ओके। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड रिवाइज करा देती हूँ, तो एक मिनट दीजिए मुझे। माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं सत्या नाडेला, एप्पल के हेड हैं टिम कुक, अमेजॉन के हेड हैं एंडी जेसी, डेल के हेड हैं माइकल डेल, ओरेकल सैफ्रा कैटिस, एचपी एनरिके लॉरेंस, इरिक्सन बोर्जे एक्होलम और गूगल सुंदर पिचई, ठीक है। फरारी की सवारी, एब्सोल्युटली फरारी वर्सेस लंबोर्गिनी। देखिए ये थोड़ा ऐसा पॉइंट है कि इस पर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। अच्छा यहाँ बात मैंने आपको क्या बता दी, यहाँ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, किसके रिगार्डिंग? कुछ इंपॉर्टेंट जो हेड हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्या बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल कंपनी और उनका हेडक्वार्टर बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला की, क्योंकि भैया टेस्ला आजकल जबरदस्त न्यूज़ में है और टेस्ला के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टेस्ला जो कंपनी है ये यूएस की है, कहाँ की है? यूएस की, ठीक है। टोयोटा जापान, फोक्सवैगन जर्मनी, बीएमडब्ल्यू जर्मनी, वॉल्वो स्वीडन, हुंडई साउथ कोरिया, फरारी इटली, होंडा जापान और फोर्ड यूएसए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ बात आई एक किसकी, लंबोगनी की आई थी, तो लंबोगनी किसके अंडर आती है? लंबोगनी आती है ऑडी में, ठीक है। लंबोगनी की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? वो है ऑडी, और ऑडी कहाँ की कंपनी है? ये भी जर्मनी की कंपनी है। तो जर्मनी भैया का क्या है? राज है ऑटोमोबाइल कंपनी में, ठीक है। गुड मॉर्निंग, बात मेरी क्लियर हो गई? मर्सिडीज जर्मनी, ऑडी जर्मनी, बीएमडब्ल्यू जर्मनी, फोक्सवैगन जर्मनी, बहुत सारी जर्मनी आपको दिखेंगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, यहां आप उस पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। किया कहाँ की है? किया साउथ कोरिया की है, ठीक है। किया और हुंडई जो है दोनों ही साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है। तो किया जो आजकल मार्केट में काफी फेमस हो रही है, ये साउथ कोरियन कंपनी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। मैंने आपको कल होमवर्क में ये सवाल दिया था, बट मैंने सोचा कि क्वेश्चंस में ऐड कर दिया जाए अलग से भी। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकेंड हाइएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बाय ओवरटेकिंग लियोनेल मेसी? लियोनेल मेसी को पछाड़ते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय प्लेयर कौन है? इंडिया में क्या है? चलिए इंडिया में देखिए, मैंने इंडियन कंपनी इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि आपको पता है इंडिया में टाटा है, इंडिया में मारुति है, जो मारुति सिर्फ मारुति है वो इंडियन कंपनी है, ठीक है। ऐसे महिंद्रा मिलेगी आपको, बहुत सारी कंपनी मिलेगी इंडिया में भी। यहाँ करेक्ट आंसर है सुनील छेत्री साहब। तो इंडियन टीम के कैप्टन सुनील छेत्री जो हैं ये दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं। रिसेंटली इन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे किया है। तो लियोनेल मेसी जो हैं ये अर्जेंटीना से आते हैं, ये पीछे हुए हैं, और टॉप पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पोर्चुगल से आते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं, इनके नंबर ऑफ गोल्स देख लेते हैं। सुनील छेत्री साहब के गोल हो गए हैं 74, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल हैं 103, और आपको ये दोनों ही पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है रोनाल्डो, ठीक है। रोनाल्डो का देश याद रखिएगा, रोनाल्डो का देश कौन सा है? पोर्चुगल। अगला सवाल एक ऑबिचरी न्यूज़ है। ऑबिचरी न्यूज़ में क्या है? बुद्ध देव दास गुप्ता पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश। बुद्ध देव दास गुप्ता जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे?
मेसी का नंबर शर्ट का आई गेस 10 या 10 है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 7 है, मेसी का 10 है, ठीक है। और यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ करेक्ट आंसर है फिल्म मेकर, ठीक है। बुद्ध देव दास गुप्ता बहुत 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 फेमस फिल्म मेकर, बहुत फेमस फिल्म निर्माता थे, बंगाली यानी जो बंगाली मूवी इंडस्ट्री है वहाँ के ये लेजेंड थे, नेशनल अवार्ड विनर थे, इनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में मिले हैं। तो नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म मेकर बुद्ध देव दास गुप्ता पासे सवे, ठीक है। तो इनकी इंडस्ट्री याद रखिएगा, बंगाली इंडस्ट्री के ये राजा थे, ठीक है। एक्टिव की मैं आपको बता रही हूं ओवरऑल, हाँ अभी हम आपको आंसर कर दूंगी उसका भी। अच्छा एक और ऑबिचरी न्यूज है और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो ऑबिचरी न्यूज, एंडिंग को सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, यानी एंडिंग को जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो इनमें से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है चलो यहां करेक्ट आंसर क्या है, यहां करेक्ट आंसर है बॉक्सिंग। मणिपुर राज्य से ये आते हैं, भारत के लिए इन्होंने मेडल भी जीता हुआ है, और चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर एन डिंगको सिंह पासेस अवे एट 42, सिर्फ 42 साल की एज में इनका निधन हो गया। इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था 1998 एशियन गेम्स जो कि बैंकॉक में हुआ था, 2013 में इनको पद्मश्री मिला था, और अभी ये कैंसर से जूझ रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, इनको लिवर कैंसर था, और इम्फाल मणिपुर में इनका निधन हो गया। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर हो गई है। ठीक है ओके। यहाँ एक सवाल आया था कि मैं आपको सवाल का आंसर दे देती हूँ, गोल को लेकर आया था, ध्यान रखिएगा एक पॉइंट यहाँ मैं आपको वापस से ऐड करा देती हूँ। यहाँ एक सवाल आया था किस चीज़ को लेकर, गोल को लेकर, तो मुझे एंड में याद दिलाइएगा, मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी उसके रिगार्डिंग बताऊंगी, ठीक है। अच्छा मैं आपको कुछ ऑबिचरी न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले अनिरुद्ध जुगनाथ जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है, ये मॉरिशस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। टीएम कलिंदन ये लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना इसके ये आखिरी सर्वाइविंग मेंबर थे और इनका भी निधन हो गया है। अलका रघुवंशी ये ऑथर और आर्ट क्यूरेटर थी, इनका भी निधन हो गया है। एच एस दोरे स्वामी ये फ्रीडम फाइटर थे, इनका निधन हो गया है। कर्नल पंजाब सिंह ये 1971 वॉर हीरो थे, इनका निधन हो गया है। ली इवांस ये ओलंपिक स्प्रिंटर थे, यूएस से आते हैं, इनके नाम पर कई रिकॉर्ड भी है और इनका निधन हो गया है। तो ये कुछ मैं आपको ऑबिचरी की न्यूज़ बता रही हूँ, इसमें कुछ जून की है कुछ मई की है, बट ये सारी रिसेंट न्यूज़ हैं। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक स्टैटिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये राज्य रिसेंटली काफी न्यूज में है, तो जरा मुझे बता दीजिए, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, असम राज्य के अभी चीफ मिनिस्टर साहब कौन है। ठीक है फटाफट मुझे बताइए असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है अच्छा एन रंगासामी कहां के सीएम है, एन रंगासामी पुडुचेरी, स्टालिन तमिलनाडु, सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले ये असम के सीएम रह चुके हैं फॉर्मर, और पी विजयन ये हैं केरला के सीएम, और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है हिमंत बिश्वा शर्मा, जो 15th चीफ मिनिस्टर हैं, जो 15वें चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के, असम राज्य के। ठीक है
एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, इनको BWF में भी अपॉइंट किया गया है, एब्सोल्युटली। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है? ठीक है, फटाफट मुझे मंगोलिया की कैपिटल बता दीजिए। तब तक मैं आपको कुछ और कैपिटल बताती हूँ जो काफ़ी डिफिकल्ट जगहें हैं उनमें से। साराजेवो कहाँ की है? ये बोस्निया एंड हर्जेगोविना यहाँ की कैपिटल है। स्कोपसे जो है ये मैसेडोनिया की कैपिटल है। ठीक है, पोडगोरिका, ठीक है, पोडगोरिका जो है ये कहाँ की कैपिटल है? ये कैपिटल है मोंटेनेग्रो की। और प्रिस्टीना जो कैपिटल है ये है कोसोवो की। यहाँ जो आंसर करेक्ट है वो है उलनबटर, जो कि है मंगोलिया की कैपिटल। तो ये बाकी सारे जो जगहें हैं वो काफ़ी कम सुनी जाती हैं, इसलिए इन कैपिटल्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उलनबटर, जो कैपिटल है मंगोलिया की। मंगोलिया में करेंसी क्या चलती है? मंगोलिया में करेंसी चलती है टोगरुक। अगला सवाल मेरा आपसे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? वाई मंगोलिया वॉज इन न्यूज, बिकॉज देर वॉज अ न्यू अपॉइंटमेंट इन मंगोलिया, मंगोलिया न्यू प्रेसिडेंट। ओके, प्लीज सी द स्टार्टिंग क्वेश्चन, यू विल फाइंड वाई मंगोलिया इज इन न्यूज। ओके, मुख्यमंत्री किसान मित्रा एनर्जी योजना, गहलोत साहब राजस्थान। तो राजस्थान ने किसानों पर जो बेसिकली बिजली का इतना भारी बिल आता है ना, उससे थोड़ा सा राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्रा एनर्जी योजना शुरू की है। इसमें किसानों को हर महीने 1000 रुपीज एज अ सब्सिडी दिया जाएगा, यानी ईयर में 12000 रुपीज एज अ सब्सिडी दिया जाएगा बाय राजस्थान गवर्नमेंट, मींस अशोक गहलोत सरकार। मारो राजस्थान, एब्सोल्युटली। चलिए कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। देखिए, राजस्थान की अगर बाउंड्री की बात करें तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ये बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा के साथ, ये बाउंड्री शेयर करता है दिल्ली के साथ, ये बाउंड्री शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ, ये बाउंड्री शेयर करता है गुजरात के साथ। तो काफ़ी सारी जगहों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। एरिया वाइज ये इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग इंडिया की 10.5 के आसपास का एरिया राजस्थान कवर करता है। यहाँ के CM है अशोक गहलोत साहब, गवर्नर है यहाँ कलराज मिश्रा। 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ आपको कुछ इंडस वैली साइट्स देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि कालीबंगन हो गया और बलाथल हो गया। यहाँ आपको एक बहुत फेमस जैन पिलग्रिमेज साइट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं दिलवारा टेम्पल। यहाँ आपको बहुत सारे नेशनल पार्क मिलते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। कल्चर वाइज राजस्थान काफ़ी रिच स्टेट है हमारे देश में। ठीक है, मुझे जरा ये बता दीजिए कि दिलवारा टेम्पल को किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, दिल्ली नहीं, एक्चुअली हाँ, इसे जरा काट दीजिए, ये दिल्ली नहीं, हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, हरियाणा के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, दिल्ली के साथ नहीं करता। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई गाइस? कोई अभी डाउट अगर आप लोग के हैं तो मैं एंड में आपको बता दूंगी। ठीक है, ये दिल्ली के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता, गुड़गांव है, कहाँ दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। दिलवारा टेम्पल किस सिटी में है? दिलवारा टेम्पल आपका माउंट आबू में है। कहाँ है? माउंट आबू में। क्या हो गया अरुई? चलो, दिलवारा टेम्पल विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फटाफट कुछ स्कीम्स देख लेते हैं किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना में से एक है। और अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है वसुंधरा जन रसोई के नाम पर। ठीक है, तो ये कुछ रिसेंट न्यूज़ है, कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, चलो आखिरी सवाल आज का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया विंड एनर्जी मार्केट,
आउटलुक रिलीज बाई ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इंडिया विल इंस्टॉल 20 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी बाई विच ईयर। मैंने क्या बोला, अभी एक रिपोर्ट आई है क्या, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 20 गीगावाट का जो टारगेट है वो कब तक अचीव कर लेगा। ठीक है, ये अचीव कर लेगा 2025 तक, 2025 तक इंडिया 20 गीगावाट विन एनर्जी का टारगेट अचीव करेगा, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। 2025 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो कुछ चीजें देख लेते हैं यहां। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सा देश सबसे ज्यादा विंड एनर्जी जनरेट करता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी जनरेट करता है चाइना। ठीक है, ओवरऑल का लगभग 28% विंड एनर्जी जनरेट करती है क्या चाइना। इंडिया लगभग 8% जनरेट करेगा अगर वो अपना टारगेट अचीव करता है। अभी इंडिया जो है वो 7% के आसपास कर रहा है और चाइना अभी लगभग 30% के आसपास कर रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी जो बनती है वो बनती है मुपंदल विंड फार्म, जो कि तमिलनाडु में है। आपको पता है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारी जगहों पर आपको विंड एनर्जी जनरेशन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इंडिया में तमिलनाडु में इस फार्म में। ठीक है, ओके। अब अगर जरा बात कर लें ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो इस्टैब्लिश हुई थी ये 2005 में इस्टैब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है, ब्रसेल्स बेल्जियम में। तो ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, स्टैटिक याद कर लीजिएगा। ओके शुभम, डेफिनेटली। ठीक है, यहां हमारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, जरूर इसका पीडीएफ थोड़ी देर बाद आपको एम्बिशियस बाबा की साइट पर मिल जाएगा। अगर आपको विद एनोटेशन चाहिए तो आप एक बार मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, वहां मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। खुशी, मैंने मंथ के ऑलरेडी अभी दिए थे, मैं आप लोग को वापस से मे मंथ का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी, डेफिनेटली मैं ऐड कर दूंगी। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। हम उत्तराखंड के फोक डांस आज देखने वाले हैं। तो उत्तराखंड में काफ़ी सारे फोक डांस आपको देखने के लिए मिलते हैं। बरादा नाती, ध्यान रखिएगा सिर्फ नाती पूछा जाएगा ना तब आप आंसर करेंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लंगवीर नृत्य, पांडव नृत्य, शोतिया, चपेली, चोलिया, भूतिया डांस और झोरा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस हैं उत्तराखंड के। इनको दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में फोक डांस पूछे जाते हैं और उनमें से उत्तराखंड से डेफिनेटली सवाल आता है। ओके गाइस, देखिए टेलीग्राम के लिए आप एम्बिशियस बाबा के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे ambitiousbaba.com, आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो आप एक ग्रुप और ज्वाइन कर सकते हैं और वो ग्रुप क्या है, वो ग्रुप है करंट अफेयर्स एंड जीके विथ कीर्ति मैम। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो ग्रुप आपको मिल जाएगा। चाहे आप ambitiousbaba.com ज्वाइन करिए, वहां भी मैं आपको मिल जाऊंगी, या फिर आप करंट अफेयर्स एंड जीके विथ कीर्ति मैम ज्वाइन करिए, वहां भी मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, ओके मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। चलिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैंने पूछा था कि सेकंड एक्टिव प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा गोल किया है, वहाँ हमने पढ़ा था कि टॉप पर थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सेकंड पर अभी आ गए हैं सुनील छेत्री। बट ये एक्टिव प्लेयर की लिस्ट है, अगर हम ओवरऑल बात करें कि किसने आज तक सबसे ज़्यादा गोल किया है, तो ईरान के एक प्लेयर हैं अली देही कुछ ऐसे करके उनका नाम है, एग्जैक्टली उनका नाम मुझे भी याद नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा, उनका नाम आई गेस है अली दई। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, ये ईरान से आते हैं और ओवरऑल सबसे ज़्यादा गोल दुनिया में इनके नाम पर है 109। ठीक है,
ये अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल किसके सबसे ज्यादा गोल है या एक्टिव प्लेयर में किसके सबसे ज्यादा गोल है, तो इस पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। ओके तो गाइस ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में मेरा आपसे पहला सवाल है, विच आईआईटी डेवलप्ड अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक। अभी किस आईआईटी ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक डेवलप की है। और दूसरा सवाल है कि कौन सी होस्ट सिटी है फॉर इनॉग्रल हॉकी 5S वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन जनवरी 2024। ठीक है, तो ये दोनों आपका आज का होमवर्क है, जिसका आंसर आपको आफ्टर क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। आज है क्या गाइस, आज है सैटरडे। तो सैटरडे मतलब अब तो पार्टी टाइम तो है नहीं, तो सैटरडे हमारी 11 बजे अभी होगी थोड़ी देर बाद रिवीजन क्लास। वीकली रिवीजन क्लास हमारी एवरी सैटरडे 11 AM पर होती है। तो जाइए फटाफट नाश्ता वगैरह कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए लास्ट वीक के करंट अफेयर्स का, और देखते हैं कि आपने पिछले वीक में कितने ध्यान से मेरी बातों को सुना है और कितने ध्यान से आपने रिवीजन किया है। ठीक है गाइज, अब अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है और डाउट आपको बाद में आता है तो आप तब भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर आपको आफ्टर क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। चलो तो इसी के साथ चलो अच्छी बात है, इसी के साथ मैं सेशन को यहीं रैप अप करती हूँ। आई होप मैं आपको पूरी न्यूज स्टैटिक रिवीजन सारे पॉइंट क्लियर कर पाई हूँ। तो आपको अगर सेशन पसंद आया हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। और ये क्लास आपकी करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में 8 बजे होती है, इस क्लास को मिस नहीं किया करिए, क्योंकि आज सैटरडे है। तो आज हम 11 बजे वापस मिलेंगे अपने वीकली रिवीजन क्लास में। तो सी यू ऑल एट 11 AM। बाय बाय, टेक केयर, टाटा एंड जय हिंद।